सारी भारतीय जनता पार्टी समेत समूचे विपक्ष ने अब 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी करनी शुरू कर दी है। एक तरफ बीजेपी है जो 2022 का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद आत्मविश्वास से लबरेज है, वहीं मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव जीतने के बाद समाजवादी पार्टी भी उत्साहित नजर आ रही है। दूसरी तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेस में एक नई जान फूंकी है, तो मायावती भी 2024 के लिए एक बार फिर से नए समीकरण बनाते हुए दिख रही हैं। इस बीच हर कोई ये जानना चाह रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी और विपक्ष का प्रदर्शन कैसा रहेगा। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश राज्य की भूमिका अहम होती है। 2019 में बीजेपी ने सपा और बसपा के महागठबंधन के बावजूद यूपी की 80 सीटों में से 64 सीटों पर जीत दर्ज की थी और नरेंद्र मोदी का दूसरी बार पीएम बनने का रास्ता यहीं से गुजरा था। इस चुनावी रस्साकसी के बीच कुछ रिपोर्ट्स की माने तो 2023 के कुछ आंकड़े सामने आए हैं। यूपी में बीजेपी और एनडीए को 39.3% वोट के साथ 70 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस, एसपी, बीएसपी समेत विपक्ष को 10 सीटें मिल सकती हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 में एनडीए को यूपी में 64 सीटें मिली थी, अखिलेश यादव की एसपी को 5 सीटें मिली थी, वहीं मायावती की अगुवाई वाली बीएसपी को 10 सीटें मिली थी। इसके अलावा कांग्रेस को 1 सीट से ही संतोष करना पड़ा था।